उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर आज अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से उनका आरोप है कि ख्वाजा कॉलोनी कस्बा व थाना पागवाड़ा जनपद मुरादाबाद में वर्षों से गुलाम जिलानी पुत्र इरशाद हुसैन निवासी डींगरपुर थाना मेनठेर मुरादाबाद फेज बी व नदीम के माध्यम से सेक्स रैकेट चलवाता चला आ रहा है। इस सेक्स रैकेट में नाबालिग बच्ची के साथ कई लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया, परंतु कई सफेद पोश ऊंची पहुंच वालों का इस सेक्स रैकेट में मुलजमानी होने के कारण पुलिस गिरफ्तार करने से बच रही है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने मांग की है कि सेक्स रैकेट संचालक व उसके सहयोगी समाज के लिए घातक है, इन पर रासुका की कार्यवाही की जाए एवं दुष्कर्म के आरोपियों व वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर जेल भेजा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, उसके बलात्कार के पीड़ित महिलाओं को आर्थिक आवासीय सुविधा सुरक्षा दी जाए। अभी तक पुलिस व जिला प्रशासन ने पीड़ितों को कोई सुविधा नहीं दी, यह सुविधा दिलाई जाए। ख्वाजा कॉलोनी पागवाड़ा में सेक्स रैकेट संचालक गुलाम जिलानी फेज भी नदीम आदि आपराधिक गैंग बनाकर समाज विरोधी कार्य करते हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। देखिए, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ख्वाजा कॉलोनी पागवड़े की थाने के अंदर एक घटना घटती है, सेक्स रैकेट बरसों से चला आता है, उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ भी जो है कई आदमियों ने उसमें बलात्कार किया। उस सेक्स रैकेट संचालिका और वह उसके मुखिया गुलाम जिलानी और जीशान जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इस घटना की यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया तब तो FIR दर्ज हुई इतने बड़े घटना की। और जब जब भी तीन लोग गिरफ्तार किए पुलिस ने, बिना धरने प्रदर्शन के उन्होंने गिरफ्तार नहीं किए, इतना जो है वो पुलिस अपराधियों से हमसाज है। आज भी हम बार बार DIG से भी मिले थे, पिछली बार कप्तान साहब से भी मिले, आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने विध फोटो शनाख्त करके अपराधियों को बताया है कि ये अपराधी हैं, ये बलात्कारी हैं, फिर भी पुलिस उनको संरक्षण दे रही है और गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसीलिए आज हम DM साहब के यहाँ आए हैं और हमने मांग की है कि ये यदि इनको गिरफ्तार किया जाए और जो बलात्कारी पीड़िता हैं, अन्य साथ में भी हैं, उनको राज्य सरकार केंद्र सरकार एक मुआवजा देती है। आज तक किसी यहाँ प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसे पीड़िताओं को मुआवजा मिला जाए। कितनी पीड़िता हैं लगभग आज आपके साथ? आज मेरे साथ तीन पीड़िता यहाँ आई हैं, एक की FIR दर्ज नहीं हुई है। कौन से क्षेत्र का मामला है सर? दो थाना मझोला के हैं और ये थाना पागवड़े की। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आरोपी? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस मुलजिमानों से हमसाज है। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं अपराधी शीघ्र गिरफ्तार हो ताकि ट्रायल जल्दी हो और जल्दी हम सजा करा पाएं।